हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है अर्चना किचन कानपुर में। तो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी राजमा, और राजमा एकदम सिंपल तरीके से। तो दोस्तों, चलते हैं बनाने। आज मैं राजमा को एकदम ऐसे ही छौंकूंगी, तो चलती हूँ बनाने। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने रखा है कुकर, और कुकर में मैंने तेल डाल दिया है, और तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहीं पर मैं डाल देती हूँ कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ मैंने जीरा लिया है, एक छोटी इलायची है, एक बड़ी इलायची, दालचीनी टुकड़ा और तेज पत्ता। इनको मैं अच्छे से चटका लेती हूँ, और चटकाने के बाद मैं अब डालूंगी दो प्याज, मैंने जो मैंने चौपड़ में बारीक बारीक से काटे हुए है, ये भी मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैंने दो तीन फलियां लहसुन की समूच रखी हुई है, जो मैंने काटी नहीं है, ये भी मैं डाल देती हूँ और पका लेती हूँ। दो तीन मिनट तक मैं बढ़िया से पकाऊंगी। क्योंकि यहाँ पर लहसुन और प्याज को बढ़िया से ब्राउन करना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लहसुन और प्याज बढ़िया से ब्राउन हो गया है। यहीं पर मैं डाल देती हूँ टमाटर। तो यहाँ पर मैंने दो टमाटर मिक्सी में पीसे हुए हैं, और यहीं पर मैं हरी मिर्च भी पीसी हुई है, तो ये भी मैं डाल देती हूँ, और अच्छे से टमाटर को भी दो तीन मिनट तक मैं बढ़िया से पकाऊंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर टमाटर भी बढ़िया से पक गए हैं, और अब मैं डालूंगी मसाले। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं मसाला डाल रही हूँ। तो मसाला में मैंने लिए है एक चम्मच धनिया, आधी चम्मच छोला मसाला, आधी चम्मच गरम मसाला, और यहाँ पर मैंने आधी चम्मच हल्दी, और थोड़ी सी आधी चम्मच के करीब लाल मिर्च है। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। और दोस्तों, यहीं पे मैं डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक, और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, करीब आधा कप, और मैं मसालों को बढ़िया से बंद करके दो तीन मिनट तक मैं पकाऊंगी, जिसमें कि अच्छे से मसाला पक जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मसाला कितना बढ़िया पक गया है, और तेल मसालों ने बढ़िया से छोड़ दिया है। तो यहीं पे अब मैं डाल देती हूँ राजमा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने राजमा करीब पाव भर के लगभग लिया था, और मैंने दो घंटे तीन पहले फुलाया था, और अच्छे से फूल भी गया था। दोस्तों, गर्म पानी मैंने फुलाया था, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी बढ़िया ग्रेवी मेरी तैयार हुई है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डालूंगी अभी पानी, यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा ही से डाला है, करीब आधा कप, और यहीं पे मैं थोड़ा सा और डालूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा ग्रेवीदार बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने करीब एक गिलास पानी डाला हुआ है, और मैं एक सीटी इसमें लगा लेती हूँ बंद करके तेज आंच पे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुकर बंद कर दिया है, तेज आंच पे मैं एक सीटी लगा लेती हूँ। अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं राजमा हमारा पक गया, मैं भगोने में पलट ली हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं राजमा मेरा कितना बढ़िया पका हुआ है, ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया पका हुआ है। तो दोस्तों, यहीं पे मैं डाल देती हूँ हरी धनिया, और हरी धनिया डाल के, और ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी रेसिपी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको राजमा पक देती हूँ निकाल के। तो दोस्तों, ये देखिए कितना बढ़िया गाढ़ी करी, एकदम बिल्कुल ग्रेवी बहुत अच्छी बनी हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी रेसिपी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, चलते हैं चावल के साथ सर्व करते हैं। देखिए कितना टेस्टी लग रहा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।